हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग हमारी कंपनी गंगा कैसेट जो कि दुनिया के चारों कोनों में तहलका मचा देने वाली कंपनी के द्वारा आप लोग देख चुके हैं, आज गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम द्वारा हमारी पार्टी का ये जो रंगारंग प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, एक्टिंग एक्शन से भरपूर, नाच गाने से भरपूर, मालधार से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक तमाशा पेश किया जाएगा। आज की रात हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम चूनर का दाग उर्फ डाकू लहना से। तो दोस्तों, चूनर का दाग उर्फ डाकू लहना, मंत्री कृपाल सिंह महाराज, हमारे चुनारगढ़ राज्य का क्या समाचार है? सम्राट प्रजा खुशहाल है, राज्य में कोई परेशानी नहीं, और सतलज या आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह जीवित रहेगा, प्रजा को खुशहाल रखूंगा और प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। राजन मंत्री कृपाल सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि हमारे शासन काल से हमारे चुनारगढ़ की प्रजा हमेशा खुशहाल रहेगी। क्यों नहीं सम्राट? कृपाल सिंह, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत राज वैभव सब कुछ मिला के, और मुझे ईश्वर ने एक बेटी भी दिया है, लेकिन कृपाल सिंह अफसोस तो मुझे ये है कि ईश्वर ने मुझे एक बेटा नहीं दिया जिससे मैं हमेशा गंभीर रहा करता हूं। और कृपाल सिंह, इसी वक्त फोन करके बॉर्डर से सेनापति सवाल सिंह को बुलाया जाए। सम्राट, ऊपर वाले ने सब कुछ मुहैया किया। हाँ, ऊपर वाले ने आपको एक पुत्री भी दिया है। आपकी पत्नी का जब से स्वर्गवास हो गया, आपने पालन पोषण की जिम्मेदारियां सेनापति यशपाल सिंह की पत्नी सुंदरी के ऊपर सौंप दिया है। हाँ मंत्री कृपाल सिंह। महाराज, अगरचे आपको ऊपर वाले ने पुत्र दिया होता तो ताजो तख्त का वारिस बनता, लेकिन पुत्री तो दिया है, वही पुत्री राजकुमारी गुलशन जब सयानी होगी, ताज व तख्त संभालने के योग होगी, तो आपके महल में चिराग भी जलेगा और आपका नाम भी रोशन होगा। आप चिंता मत कीजिए। कृपाल सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हर इंसान के दिल में यही अभिलाषा रहती है कि ईश्वर अगर मेरे एक पुत्र होता तो मेरी बुढ़ापे का सहारा होता। सम्राट, तो रंजित करिए अपने जिगर दरमिया, लिखा पिट का कभी मेट पाता नहीं, पुत्र पुत्री में अंतर है कुछ भी नहीं, और इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। हाँ पुत्र पुत्री में अंतर है कुछ भी नहीं, और इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। बेटी राजकुमारी गुलशन जब सयानी होगी, आपके ना रहने के बाद रियासत की बागडोर राजकुमारी गुलशन के हाथ में होगा, आपका नाम भी रोशन होगा
और आपके महल में चिराग हमेशा जलता रहे। मंत्री कृपाल सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे सब्र नहीं है। दिल में ही सोचता हूं कि ईश्वर अगर मेरे एक पुत्र देता तो इस राज का वारिस होता। क्यों नहीं सम्राट, आज ही मैं सेनापति जसपाल सिंह को फोन करवाता हूं। हाँ कृपाल सिंह। और आप चिंता में डूबे ही जा रहे हैं, और फोन करके यशपाल सिंह को बुलवाऊंगा और आपकी दिल की परेशानियां धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है कृपाल सिंह, बहुत जल्द बॉर्डर से सेनापति यशपाल सिंह को बुलाया जाए। दरबारी। हाँ जी। दरबारी। सम्राट, सेनापति यशपाल सिंह को याद किए हैं। हाँ। और यशपाल सिंह देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात। यशपाल सिंह को फोन कर दो और फोन पर बोल दो क्या सम्राट दरबार में याद किए हैं, बहुत जल्द आकर के दरबार में हाजिर हों। ओ भाई। ओ जी। तेरे साहब को फोन लाओ। फोन? फोन नंबर लाओ। अब फोन नंबर मैंने तुझे दे दिया था यार। हमका काज है यार, मजाक कर रहे हो। देख जरा अपने थैले में। थैले में? और क्या। ओ की हो गया। अब तेरे सारे थैले कट गए। अबे कहूं ना दुइनो जी, अब कहां ले गया। फोन नंबर ले गया, 3 लाख रुपया रखे रहे वो का ले गया। अजय एक बात सुन लो। का? रुपयन के कोनो गम नहीं, चाहे 10-20 लाख रुपया चला जाए, अगर फोन नंबर गायब भा तो तुम्हारे मौत है। रुक जाओ यार, साहब को याद होगा, साहब से पूछे। हाँ, साहब से पूछो। साहब सेनापति जी का नंबर क्या है? क्या बोला? सेनापति जी का नंबर क्या है? सेनापति का नंबर नहीं, का फोन नंबर। फोन नंबर ये क्यों नहीं बोलता? वही फोन नंबर। सेनापति यशपाल सिंह का फोन नंबर 226-001। का कहीं नो? अरे सुना नहीं? का कहीं तो है हम ना हम। नहीं ठीक है, नंबर आए क्या है? हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना, पचाए में 5 बार फेल हैं। पता नहीं का आप कह ले गए तो है हम ना हम। थे देहाती बताओ, समझ नहीं पावा। साहब इसे हिंदी में बता दो। सेनापति यशपाल सिंह का नंबर। हाँ बताओ। उनका फोन नंबर? हाँ। 226 और 001। सुन लें यार, 226-001। ठीक है, अबे तो कहा तो तो हम ना। अब इंग्लिश चो कर लगे। अरे यार आई एम पढ़ा लिखा लग। यू आर लंठ गवा रहे एकदम। हाई स्कूल पास हुआ। हाई स्कूल? तोरे यहाँ हाई कहा जी, हमारे यहाँ हाई कहा। हाँ इंग्लैंड से आवत तुम। नंबर बताओ। हम तो भी लिंटर फेल हो गए। लिंटर फेल हो गए। लिंटर की इंटर यार? तोरे यहाँ इंटर कहा जी, मैं लिंटर कहा। हाँ यार नंबर बताओ। फिर भूल गए। चलो उल्टा सीधा मिलाई, कौन हमारा पैसा जात है यार। यार ये मत टवर ही नहीं ना। हाँ। 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं ना। पकड़ ले 12 बंकी वाली खूंटी। तीनों खूंटी पकड़ ली थी। तीनों को छोड़े ना, पकड़े रहे। जी।
हेलो, गाना सुनाया यार। कौन? सेनापति यशपाल सिंह। हेलो हेलो, मैं राज दरबार से मोहनचवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है साहब? आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महाराज, सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। आइए हुजूर। सेनापति यशपाल सिंह। महाराज, मैंने तुम्हें बाद से राज दरबार में किस लिए बुलाया है लो सुनो, मैं बता रहा हूं। तो सेनापति अपनी पत्नी को बुलाओ, सेनापति कहना वो साथ में गुलशन को लाएगी। आज से मेरी बेटी महल में रहे, मुझसे इनाम कुछ सुंदरी पाएगी। सेनापति यशपाल सिंह, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी सुंदरी व हमारी बेटी गुलशन को राज दरबार में बुला लियो। तो साह जाता हूँ फौरन बुलाने उसे, शाह जाता फौरन बुलाने उसे, आपका हुक्म जा कर बजाऊंगा मैं। आप चिंता न करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। दिल में चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। महाराज, आपकी बेटी गुलशन व सुंदरी को साथ में लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूं। जय यशपाल सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं। चौक किया राजन। मंत्री कृपाल सिंह। महाराज। और सेनापति यशपाल सिंह, तुम दोनों मेरे दरबार के वफादार मुलाजिम हो। क्यों नहीं सम्राट? तुम लोगों पर मुझे फक्र है, तुम लोगों पर मुझे घमंड है कि मैं जितना आदेश करूंगा तुम लोग हमारे आदेश का पालन करो। क्यों नहीं सम्राट? आज मैंने अपने दिल में सोचा है कि सेनापति यशपाल सिंह की पत्नी सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन का लालन पालन किया है, उसके एवज में हम सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम देना चाहते हैं। इसलिए कृपाल सिंह, तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। सम्राट, जब सुंदरी दरबार में हाजिर हो तो आप जैसा इनाम देना चाहे राजन वैसा इनाम देना। मैं केवल तुम्हारी सलाह जानना चाहता था। क्यों नहीं सम्राट?
सुंदरी वह आपके समक्ष आ रहे हैं। सुंदरी, मैंने तुम्हें राज दरबार में किस लिए बुलाया है? सुनो सुंदरी, मैं बता रहा हूं। क्या बात है राजन? तो तब महाराज इंग्लैंड कल करा था जब दमो महारानी दम महारानी इंगला का निकला था जब उस समय बेटी गुलशन थी छह माह बाला तूने अजब ढंग से सुंदरी पुत्र सुंदर की कोई न परवाह सुंदरी तुमने हमारी बेटी गुलशन की परवरिश किया है तुम्हारा एहसान मेरे सर पर नहीं राजन इस एहसान की क्या बात है मैं तो आपकी एक दासी हूं जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिखाया है हर नारी का फर्ज होता यही कर दिया साथु बेटे के गुलशन काला अगर साथु बेटे के गुलशन काला अगर हुक्मरा साथु में क्या कमाल कर दिया साथु बेटे के गुलशन पाला अगर हुक्मरा साथु में क्या कमाल कर दिया साथु बेटे सुंदरी तुमने हमारी बेटी गुलशन की परवरिश किया के ऐशान किया के तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे नहीं राजन और गुलशन की परवरिश के एवज में सुंदरी हम तुम्हें आज पहाड़ी का किला इनाम दे रहे सेनापति बाल सिंह जाओ हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अपनी पत्नी सुंदरी वह अपने बेटे सुंदर के साथ उसी पहाड़ी के किले में रहो और वहीं से बॉर्डर की देखभाल करती रहे राजन मैंने बेटी गुलशन की सिर्फ परवरिश की है मैंने उसे कभी अपना दूध नहीं पिलाया और पाल पोस कर उसे इतनी बड़ी सयानी कर आज आपका हुक्म है आपकी बेटी कॉलेज गई हुई है अगर वो कॉलेज से लौट कर आएगी मैं आपके पास अवश्य भेज जाऊं ठीक है सुंदरी मेरी बेटी कॉलेज गई है जब कॉलेज से वापस आ जाए तो उसको लेकर तुम हमारे महल में उसे लाकर हाजिर कर देना जाओ इसबाल सिंह हमारे एहसान आदेश का पालन करो महाराज महाराज जब आपकी बेटी गुलशन कॉलेज से आ जाएंगी तो हवेली पहुंचा दूंगा ठीक है इसबाल सिंह हम बेटी गुलशन के आने का इंतजार करेंगे ठीक है हुजूर जाओ
यशपाल सिंह, पहाड़ी का किला भाई मुबारक हो। और जाइए अपने बीवी व बच्चे के साथ पहाड़ी किले पर जाइए, और सीमा का भाई भी ख्याल रखना, फजर होते ही सीमा के लिए रवाना हो जाना। मंत्री कृपाल सिंह, सीमा का बराबर ख्याल रखता हूं, और जब तक सीमा पे कार्यरत हूं कोई दुश्मन मुल्क के अंदर कदम नहीं बढ़ा सकता। और सुंदरी को पहाड़ी किले पर छोड़कर फौरन सीमा के लिए रवाना हो जाऊंगा। कृपाल सिंह महाराज, आज का दरबार यही समाप्त किया जाता। क्यों नहीं सम्राट? शाला, वो कंटाप तेरे गाल पे रखूंगा, छठी का दूध तेरे मुंह से निकल आएगा। अब छठी का दूध कहाँ पिया है और क्या पिया है? बचपन से तो हमारे अम्मा बीमार आते, हम डब्बा के दूध पी के जी। डिब्बे का दूध पी करके सयाना हुआ। साला ना है तुहरे बहनी के घर वाला है। बहुत सही बात। कहीं दूसरा कंटाप तेरे गाल पे रसीद कर दिया तो उंगलियों के पांचों निशान तेरे गाल पे बन जाएंगे। काहे हमका पपलाहा कर रहे हो कहा साले? दरबारी सुना सम्राट जगजीत सिंह की बातों को? सुना? क्या सुना? नहीं सुना। फिर क्या कह रहा? सुना अर्चन कह दिया। सम्राट सत्यजीत सिंह, सत्यजीत सिंह राजकुमारी गुलशन, गुलशन की परवरिश के एवज में, एवज में पहाड़ी का किला, पहाड़ी किला, पहाड़ी का किला इनाम में दे डाला। यही घर परेशान हो? यही के लिए परेशान है। अरे यार सुंदरी का पहाड़ी किला मिला है तो मका राय बरेली के जिला देवा जी। दरबारी ये जिस किले पर हमारी नजर थी, नजर थी, आज वो किला, किला मेरे हाथ से निकल गया, निकल गया। हमें किला नहीं चाहिए। किला ना चाहिए, हमें तो किला चाहिए। अच्छा दरबारी का यार, जैसे घोड़ी ही नहीं नाच हो यार। एक बात और है। क्या आज मैंने राजकुमारी को लेकर के, जब राजकुमारी को लेकर, जब सम्राट ने आदेश दिया राजकुमारी को लेकर के सुंदरी दरबार में हाजिर हो, तो सुंदरी आई, सुंदरी आई, और जब मैंने सुंदरी को राज दरबार में देखा तो फिर क्या हुआ? तो हमारे दिल के अंदर यानी सुंदरी को आज आपने दरबार में पहली बार देखा है? पहली बार दरबार में देखा। हाँ। पहली बार तुम सुंदरी का दरबार में देखे हो और हम तो हरिद्वार में देखा है। हरिद्वार में? हाँ देखा होगा। देखा है जब इसकी बहन के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गया था।
तब देखा होगा। हाँ सही कहा, तुम्हारे बच्ची का करवा ले गए रहे। क्या क्या करवाने? दासन यार, ऐसा नहीं बोलता। वही तो बोली दरबारी। हाँ जब मैंने सुंदरी को देखा तो मेरा दिल परेशान हो गया। तो आज दिल आए कि गंगा जी का बिल है। दरबारी क्या गजब की चाल है? चाल है कि हिमालय की ढाल है? क्या गजब की चाल है? फूलों में ना मिसाल है, ताल है। अरे परिया तो पीछे हुई। का परिया? परिया नहीं भैंस। अरे परिया तो पीछे हुई। पीछे हुई क्या? कुदरती चाल है। दरबारी देखा बहुत सी नाजनी। अच्छा। मैंने बहुत सी हसीनों को देखा। अरे तुम पुरान छिना रहा हो। देखा बहुत सी नाचनी, ना टिक सका दिल जनाब, और सर्द आहें यूं भरी कि खाना पीना हो गया खराब। खाना पीना बेकार हो गया। सुंदरी सुंदरी की बात है यार, दिल परेशान हो रहा है। बैलाएगा साला, पागल हो गया। सुंदरी अरे देख कर गंगा कश्यप सुंदरी सामने नजर आ रही है। दरबारी अरे देख कर सूरत तुम्हारी ये दिल दीवाना हो गया। देख कर सूरत तुम्हारी दिल दीवाना हो गया। अरे तू क्षमा क्षमा जलती रही मैं परवाना हो गया। हमें नौकरी का खौफ ना। कोई खौफ नहीं हमें, नौकरी का खौफ नहीं है। नहीं है आज रहे या ना रहे, नौकरी का खौफ ना होते का कुछ भी ख्याल। लेकिन लेकिन वश्लिका 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 चाम पीने को वश्लिका चाम पीने को मेरा दिल बेगाना हो गया। वश्लिका शाम पीने को मेरा दिल बेगाना हो गया। सुंदरी मैं आऊंगा। कब? नहीं जानती। नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम। सुबह जसपाल सिंह सीमा के लिए रवाना हो जाएगा। यानी सीमा के लिए रवाना होगा। रवाना हो जाएगा क्योंकि वो ड्यूटी का पाबंदी है। और सूरज के छिपते ही मैं पहाड़ी किले चलूंगा। मैं पहाड़ी किले पर दूसरी मुलाकात सुंदरी से करूंगा। करूंगा दरबारी आऊंगा कल आधी रात को। रात को आज नहीं कल। कल फजर होते ही जाएगा। क्यों नहीं यशपाल सिंह? क्यों नहीं आऊंगा मैं कल आधी रात को। रात को अरे क्योंकि ये क्योंकि ये क्योंकि दरियाए दिल, दिल मेरा आशिकाना हो गया। दरबारी मैं रियासत की दरबार जा रहा हूँ। ठीक। और तुम दोनों? हम दोनों फजर होते ही शाम फजर को। होते नहीं सूरज के छिपते ही संध्या को पहाड़ी किले की तैयारी करना। बहुत अच्छा। मैं तुम्हारे साथ पहाड़ी किले चलूंगा। कहाँ सो है?
देखो साले का एक ही पांडी फूट दी मारू। हाँ। अरे यार प्लान बनाई प्लान बनाए हम कह जाए प्लान बनाई या साला सुंदरी के पीछे बौरान है। हाँ। सकल का नहीं देखा कहाँ सुंदरी और कहाँ या साला घोड़ कर आए कहाँ सुंदरी और कहाँ या साला हूँ कहाँ चिला माझार वही निहात कहाँ कमल गट्टा के फूल और कहाँ या साला कुकुर मोट्टा के फूल वही निहात कहाँ सोने के तलिया कहाँ गंधैला बकुला कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली सुन लो अबे अबे उठ खड़ा हो उठ खड़ा हो खड़ा नहीं हो हाथ लगा हाथ लगाओ अरे हो आज की पहली महतारी ए भैया आइया ये साला महाराज क्या मर गई है कान खोल करके सुन ले रुको कब लंग खोले कान कान ना खोलो साहब तुम ला कान खोले कान वो हम ना लंग खोल ये पिन मार काला जरारी ऐसा तुझे जलाऊंगा तुझे जला करके खाक कर दूंगा तुझे ऐसा जलाऊंगा जैसे तुम्हारो कामा यही जरूरी है बहुत जरूरी है तुझको जलाऊंगा जैसे कुम्हारों का आमा और ऐसी मार मारूंगा भेजूंगा तुझे उतरामा याद रख याद करो ओए बगिया का यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर गांव है मेरे साथ चलो फजर होते ही जब वो सीमा के लिए रवाना हो जाए तो सूरत के छिपते ही पहाड़ी किले की तरफ चलना यार यह साला बहुत तपा है यार हाँ यार यह कौने दिन पैदा भा है यार हमका लागत यह साला मिर्गिसरा में पैदा भा है कहा यार मिर्गिसरा में पैदा भा मुला कौने दिन पैदा भा है यार या इतवार के दिन है खोली चूत यार कहे अबे इतवार का सब कोर्ट कचहरी दफ्तर बंद रहा था बंद तो रहा था कोर्ट कचहरी लेकिन एक दफ्तर खुला रहा था हाँ यार बहुत तपा है भैया चलो यार नहीं कौनों को ऐसे आएगा ना तो दरबारी हाँ पिच्छू काटता नहीं है वो डंक मारता है वो माचा है और डंक का मारा हुआ आदमी मरता नहीं तड़पता है ऐसा डंक मारूंगा ऐसा डंक मारूंगा ता जिंदगी भर तड़पता ही रहेगा याद रखना चलो तैयारी बना लियो ये सरव का हमारे उचरिये का चले जाए कुचरिया तुम ना वही ना जो है हम तुम खुदा चलाए खोले ठीक कहना है अरे कौवा कवन लिए जाए टिहरी हल्ला मचावे कौवा कवन लिए जाए टिहरी हल्ला मचावे सरहत के भय लाल मोरनी नाच दिखावे भैया